नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है देश प्रदेश की कुछ खास खबरों का। सुल्तानपुर में राज्य कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए विशाल बाइक रैली निकाली। रैली की भीड़भाड़ से जिला पंचायत गेट से लेकर डाकखाने चौराहे तक पूरा यातायात ठप हो गया। सुल्तानपुर जिला न्यायालय के पूर्वी गेट से अधिवक्ता श्याम दीक्षित की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल, जिसका नंबर UP 32 AC 7397 है, चोरी हो गई। सुल्तानपुर विकास खंड के दूबेपुर के कबरई गांव के प्रधान JP निषाद भोले भाले युवकों को विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर रहे, जिसका कार्यालय उन्होंने SP आवास से चंद कदम की दूरी पर खोला है। उन्नाव में 112 ऑफिस में तैनात सिपाही ऑनलाइन गेमिंग में 15 लाख रुपए लोन और उधार लेकर हार गया। सिपाही ने SP से फरियाद लगाते हुए सभी सिपाहियों के खाते से 500 रुपए काट कर उसका लोन भरने के लिए सहयोग मांगा है, ऐसा नहीं किया गया तो उसके सामने आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। अमेठी जिलाधिकारी निशानंद ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई करते हुए जनता की शिकायतों को सुनकर उनके गुणवत्तापूर्ण समय से निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। अमेठी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में जूनियर बालक वर्ग भरत तोलन और बालिका वर्ग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि फार्मासिस्ट डॉक्टर VK सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। अमेठी जिलाधिकारी निशानंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयकर संबंधित प्रावधानों की जानकारी के साथ आयकर कटौती संग्रहण और TDS के संबंध में जागरूकता के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अमेठी में आसमान में रंग बिरंगी इंद्रधनुष को देखकर बच्चे बूढ़े और जवान काफी खुश हो गए कुदरत का नजारा देखने के बाद। जौनपुर में किराकत तहसील के SDM सुनील कुमार ने रजिस्ट्रार तहसील कानूनगो के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां पर संबंधित बाबू और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अयोध्या राम मंदिर प्रांगण में भव्य ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण का आयोजन किया गया। रामपुर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने मिलक खानन थाना का औचक निरीक्षण किया। रामपुर पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन में मौजूद सभागार में साइबर अपराध से संबंधित मुकदमे और शिकायती प्रार्थना पत्रों के संबंध में सभी थानों पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर और साइबर थानों पर नियुक्त पुलिस कर्मियों के साथ गोष्ठी का आयोजन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रामपुर पुलिस अधीक्षक ने अपराध नियंत्रण कानून और शांति व्यवस्था के साथ जनमानस में सुरक्षा की भावना जगाने के लिए मिलक खानन क्षेत्र के भीड़भाड़ महत्वपूर्ण इलाकों में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी स्वार भी मौजूद रहे। बहराइच पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मौजूद परिवार परामर्श केंद्र में दो परिवारों के आपसी विवाद को सुलझाते हुए परिवारों को टूटने से बचाया गया और उनको एक साथ राजी खुशी रहने के लिए तैयार किया गया। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन खबरों को आप YouTube पर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के जरिए हमसे जुड़े तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।